हेलो दोस्तों, मैं अभी स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका टेक्न्यूज के एपिसोड 1 for 1 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले अपडेट की, दोस्तों वोडाफोन और आइडिया की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों, ये दोनों टेलीकॉम कंपनीज ने आया ना, ये कल जैसे जियो एक ऑफर लेकर आया था रिचार्ज करके या कमीशन पर बोल के, और उसी के जैसा एक और तरीका लेकर आ चुके हैं वोडाफोन और आइडिया ने। तो आप आइडिया और वोडाफोन से अदर नेटवर्क, मतलब अदर जो भी अदर नेटवर्क के सिम कार्ड है ना, अदर नेटवर्क पर आप रिचार्ज करेंगे तो आपको कैशबैक मिल जाएगा। मतलब आप वोडाफोन या आइडिया से किसी और सिम कार्ड को आप रिचार्ज करेंगे तो आप 149 का रिचार्ज करेंगे तो आपको 10 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा, और 249 का करेंगे तो आपको 20 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। सो वोडाफोन और आइडिया ये सब्सक्राइबर्स इन दोनों के लिए है। सो अगर हैं तो आप घर बैठे थोड़ा अच्छा ये किसी को भी रिचार्ज करके कैशबैक ऐसे आप कमा सकते हैं सो घर बैठे, तो एक बहुत अच्छा तरीका। सो वैसे ये सो उतना भी पैसा कमाने का ये तरीका नहीं, ये सो हेल्पिंग अदर्स स्टे होम ये फीचर है, तो आप किसी को रिचार्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फाइनली टिकटॉक है ना, यहाँ पर कमाल का काम कर दिया दोस्तों। दोस्तों फाइनली टिकटॉक है ना, $150 मिलियन यहाँ पर उनको देने की बात की, जो भी कोरोना वायरस को लेकर अभी यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं ना, उनको $150 मिलियन यहाँ पर देने की बात की। सो क्योंकि वहाँ पर कुछ काम भी आ सकता है, कुछ दवाई बनाने के लिए, वो बड़ी बात किया यहाँ पर टिकटॉक ने। बहुत ही ये बात सुनकर अच्छा लगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ये टिकटॉक का अपडेट सुनकर, जरा नीचे कमेंट्स में बताई देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों फेसबुक की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फेसबुक है ना, एक कुछ नए फीचर्स पर काम कर रहा है। दोस्तों फेसबुक बहुत जल्द इसी महीने नए फीचर लेकर आ सकता है, काम चालू है। फीचर ये दोस्तों आप नोटिफिकेशन को पुश कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्विट मोड बोल के एक फीचर है, नोटिफिकेशन को पुश कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन शॉर्टकट वगैरह इसके अंदर और शॉर्टकट भी फीचर्स आपको मिलेंगे, अलग अलग फीचर मिलेंगे फेसबुक यूज़ करने के लिए, अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिलेंगे इस फेसबुक में। और इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर है, आप रिमाइंडर भी कर सकते हैं। मान लो कि आपको शाम के 5 बजे ये काम करना है तो आप सुबह उसको रिमाइंड करके रख सकते हैं, उस शाम को 5 बजे वो याद दिलाएगा दोस्तों आपको ये काम करना है बोल के। ऐसा फीचर ये फेसबुक में लेकर आने वाला है, ये फेसबुक रिमाइंडर वाला फीचर लेकर आ रहा है, ये काम चालू है। ये इसी महीने iOS यूजर्स के लिए मिल सकता है और नेक्स्ट मंथ हमको एंड्रॉयड यूजर्स को मिल सकता है, तो देखेंगे दोस्तों आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, उसके लिए आप इंतज़ार करना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों वन प्लस की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फाइनली वन प्लस की 8 सीरीज के स्मार्टफोन की प्राइस लीक होकर आ चुके हैं, प्राइस तो थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। वन प्लस 8 बेस वेरियंट 8GB 128GB है, इसका प्राइस है ना 59,000 रुपीज़ इसका प्राइस है, और 59 मतलब 59 एग्जैक्ट नहीं, 59 के आसपास होगा। दोस्तों उसके बाद आता है वन प्लस 8 प्रो बेस वेरियंट 8GB 128GB है, इसका प्राइस है ना 76,000 के आसपास होगा, और हायर वेरियंट है दोस्तों उसके अलावा और 12GB 256GB का एक और वेरियंट है 8 प्रो का, उसका प्राइस है ना 85,000 होगा। सो यहाँ पर थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा, थोड़ा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो सकता है। 86,000 आईफोन ही ले लेंगे लोग तो क्या कहना है आपका, फिर भी आप वन प्लस के फैन हैं क्या? ये इनके प्राइस लीक होकर आए हैं 8 सीरीज के, आपका क्या कहना है जरा टाइप करके बताई देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों वावे की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों वैसे मैं आपको 2-3 दिन पहले बताता है वावे के टीवी के बारे में, मैं आपको बता दिया था वो ना सो वावे की 65 इंच वाली टीवी है, ये फाइनली लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों कल ये लॉन्च हो चुकी है, ये सो वावे X65 इसका नाम है, वावे X65, और ये 65 इंचेस की होने वाले OLED डिस्प्ले होगा इसका, और साथ में ना सो इसमें आपको कमाल की बात ये है 25 मेगापिक्सल का एक आपको पॉपअप अप डाउन होता हुआ एक पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा दोस्तों इस टीवी में, कमाल की बात है दोस्तों। 25 मेगापिक्सल का मिल रहा है पॉपअप मिल रहा है, और साथ में आपको 6GB रैम मिलता है, और साथ में 128GB स्टोरेज मिलता है। अब स्मार्टफोन में तो रैम रोम मिलता है, लेकिन अभी टीवी में भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 6GB 128GB मिल रहा है। 14 स्पीकर्स मिलेंगे इस टीवी के, वो भी स्पीकर्स कहाँ होंगे दोस्तों, अंडर डिस्प्ले के अंदर उसके स्पीकर्स होंगे, डिस्प्ले के बाहर यहाँ पर टीवी है, यहाँ 4 स्पीकर वहाँ 4 स्पीकर यहाँ 4 स्पीकर वैसा नहीं, डिस्प्ले अंडर डिस्प्ले इसके स्पीकर्स होंगे। प्राइस तो थोड़ा सुनकर आप थोड़ा चौंक भी जाएंगे, दिमाग भी काम नहीं करेगा, इसका प्राइस है ना दोस्तों 3 लाख रुपीस के आसपास इसका प्राइस है दोस्तों टीवी का, आप खर्च कर सकते हैं क्या दोस्तों 3 लाख रुपीस टीवी के लिए, जरा नीचे कमेंट्स में बताई देना। तो आज के वीडियो में खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।